आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट हेल्थ मंत्रा में, जिसमें हम आपकी मुलाकात अलग अलग डॉक्टर से करवाते हैं और डॉक्टर आपके अलग अलग स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं का समाधान बताते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ डॉक्टर रूपा शर्मा है, जो MBBS है, DCH है। तो आज हम इस अपने सेगमेंट में बच्चों के हेल्थ से जुड़े जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी उसके सॉल्यूशन है, उसके बारे में डॉक्टर रूपा शर्मा से बात करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर रूपा शर्मा हूँ। मैं एक नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और पिछले 18 साल से मैं नीरा हॉस्पिटल में अलीगंज में एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर की तरह कार्यरत हूँ और मेरी अपनी निजी क्लिनिक भी अलीगंज लखनऊ में है। मैम, जैसे कि आप बच्चों को ट्रीट करती हैं, गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों के वक्त में बच्चों के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, तो इस वक्त गर्मियों के वक्त में किस तरह के बच्चे जो हैं वो पेशेंट्स आपके पास आते हैं और उनमें किस तरह की दिक्कतें पाई जा रही हैं? देखिए, ग्रीष्मकालीन ऋतु के आगमन से सबसे पहली जो समस्या हम लोग देखते हैं बच्चों में जी, वो है उल्टी और दस्त की जी। तो आजकल हम लोग अपनी क्लिनिक में काफ़ी उल्टी दस्त के मरीज देख रहे हैं जी। और उनमें काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि बुखार है, डिहाइड्रेशन है उल्टी दस्त की वजह से जी। और उसकी वजह से बच्चों को तो दिक्कत होती है, उसके साथ साथ माँ बाप को भी बहुत ही दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं जी। अगर बात किया जाए उल्टी दस्त की, तो जो डायरिया है, अगर इसको उल्टी दस्त को स्टार्टिंग में ही क्योर नहीं किया गया तो क्या यही डायरिया का रूप ले लेता है या फिर डायरिया कुछ अलग तरह की बीमारी है, अलग रीज़न की वजह से होता है? देखिए, दस्त जो है उसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि 24 घंटे में अगर तीन या तीन से ज़्यादा बार मल का त्याग हो रहा है, उसमें ज़्यादा पतलापन है और पानी की मात्रा सामान्य से अधिक है जी, तो उसको हम दस्त कहते हैं जी। और उसमें अगर खून या आव का भी मिश्रण है तो उसको हम डिसेंट्री का नाम दे देते हैं। सामान्यतः ये 2 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता भी लग सकता है। मगर अगर ये 2 हफ्ते के आगे भी रहता है जी, इसके सिम्टम्स रहते हैं, तो इसको हम क्रॉनिक डायरिया से परिभाषित करते हैं। हाँ, डायरिया का ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से ट्रीटेबल है ये और कितने दिनों तक इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना होता है? देखिए, डायरिया या दस्त, अक्यूट डायरिया जिसको हम कहते हैं, उसको हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला जो कि जिसमें कि डिहाइड्रेशन नहीं होता है, दूसरा जिसमें कि थोड़ा डिहाइड्रेशन होता है और तीसरा जिसमें कि सिवियर डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, पानी की कमी होना। तो हम कुछ साइंस ऐसे हैं जिनसे कि हम उसका असेसमेंट करते हैं, जैसे कि कुछ साइंस हैं बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पेशाब का कम होना, अगर हम त्वचा को उठाते हैं तो वो वापस देर से जाना उसका, बच्चे का चिड़चिड़ा होना, ये सब साइंस हैं जिनके बेसिस पे हम असेस करते हैं कि किस तरीके का डायरिया है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे साइंस हमें मिलते हैं तो वो डिहाइड्रेशन का संकेत देता है है ना। तो पहला जो है जिसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है, नो डिहाइड्रेशन, उसको हम प्लान ए से ट्रीट करते हैं। उसमें हम सिर्फ ORS देते हैं, सामान्य से ज़्यादा जल देते हैं, पेय देते हैं, किसी भी फॉर्म में, ORS के फॉर्म में, या नींबू पानी या शरबत या नारियल पानी या मट्ठा दे सकते हैं, और जो भी घर में हल्का खाना जो भी होता है, जैसे कि पतली खिचड़ी है, दही है, केला है, इसका हम सेवन कराते हैं। अगर डिहाइड्रेशन हमें दिखाई देता है, ऐसे 2 साइंस दिखाई देते हैं जैसे कि पेशाब कम होना या बच्चा सुस्त होना या उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगना, तो हम प्लान बी के तहत आते हैं जिसमें कि हमें डिहाइड्रेशन का करेक्शन करना पड़ता है। इसमें हम ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसको कहते हैं,
जो कि लो ऑस्मोलैरिटी का होना चाहिए, उसी से ज़्यादा अच्छा असर आता है। प्लस उसके साथ जो भी हम खाना, हल्का खाना दे सकते हैं वो देते हैं, और हम तब तक ट्रीट करते हैं जब तक कि वो डिहाइड्रेशन ठीक नहीं हो जाता है। 4 घंटे बाद हम फिर इसका असेसमेंट करते हैं, अगर डिहाइड्रेशन ठीक हो जाता है तो उसी प्लान ए के मुताबिक हम ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। और अगर नहीं ठीक होता है तो फिर हम रिपीट करते हैं यही थेरेपी। ओके। अगर इसके बाद भी 2 दिन के बाद भी अगर बच्चा इरिटेबल रहता है, उसमें उल्टी होती है, उसको बुखार आता है, दस्त में खून आता है और उसकी पेशाब काफ़ी कम हो जाती है, तो हम इसको सीवियर डिहाइड्रेशन का टर्म देते हैं। इसके लिए हमें उसको आईवी फ्लूइड्स देना पड़ता है, उसको एक हॉस्पिटल फैसिलिटी में रख के उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर उसमें संक्रमण है तो उसके लिए वैसी ही एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना पड़ता है। मैम, अगर बात किया जाए तो आजकल की लाइफस्टाइल में जो फास्ट लाइफस्टाइल है, फास्ट लाइफस्टाइल में जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, वॉकिंग मदर्स होती हैं, उनके लिए बहुत टफ हो जाता है बच्चे को उनके हाइजीन का ध्यान रखना और उनके डाइट का ध्यान रखना। तो ऐसे में बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाए, बिकॉज अब कोविड भी आ रहा है और इस बार का जो वेव देखा जा रहा है ज़्यादातर बच्चों में पाया जा रहा है, तो किस तरह से उन इन्फेंट्स को ट्रीट किया जाए और कैसे उनकी टेक केयर किया जाए कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रह पाए? देखिए, जो नवजात शिशु हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ होता है और पहले 6 महीने तक माँ का ही दूध का सेवन होना चाहिए। okay. अगर माँ को कोई दिक्कत नहीं है तो, और अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं दे सकते हैं तो आप ऊपर का दूध दे सकते हैं जो कि फोर्टिफाइड मिल्क होता है, जिसमें कि सारी चीज़ें वही चीज़ें होती हैं जो कि माँ के दूध में पाई जाती हैं और बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है। अगर आप बॉटल फीडिंग किसी वजह से कराते हैं तो उसका सफाई पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, हर बार साफ़ करके उबालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसके लिए आप 3-4 बोतलें रख सकते हैं जिससे कि इन्फेक्शन का डर नहीं रहता है। रही बात थोड़े से बड़े बच्चों की, तो हमें उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। जन्म से ही एक डायरिया के अगेंस्ट एक वैक्सीन आता है, रोटा वायरस, वायरस जिसकी वजह से वाटरी डायरिया बच्चों में हो सकता है। अगर हम उनको इससे वैक्सीनेट करा देते हैं तो इसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो पेरेंट्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो प्रॉपर वैक्सीनेशन करा सके। अब तो ये वैक्सीन हमारे सरकारी उसमें भी आ चुका है, तो इसमें उनका ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो प्रॉपर वैक्सीनेशन अपने बच्चों का कराएं जिससे कि कुछ जो भयंकर बीमारियां हैं उनसे वो दूर हो सकें। ओके, हमने वैक्सीनेशन की बात करी तो जनरली जो किड्स बॉर्न होते हैं तो मंथली और फिर ईयरली उनको वैक्सीन्स जो है वो लगते हैं, तो कौन कौन से वैक्सीन्स हैं जो इफेक्टिव हैं? और मेन क्वेश्चन जो निकल के मैम सामने थे, जिन बच्चों को सारे वैक्सीन लगे हुए हैं, बिकॉज एकदम इन्फेंट्स के अभी वैक्सीन कोविड के नहीं आए हैं, तो कितना वो उनको प्रोटेक्ट करेगा? बिकॉज जो इम्यूनिटी है वो इन्फेंट्स में नहीं पाई जाती है, उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। देखिए, जो वैक्सीनेशन होता है बच्चों का, वो डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, टेटनस और टाइफॉइड है, रोटा वायरस है, निमोनिया है, इसके अगेंस्ट होता है। okay. तो ये तो सब ज़्यादातर पेरेंट्स सामान्य रूप से अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराते हैं और इससे उनको लाभ मिलता है इन बीमारियों के प्रति। मगर इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि अगर कोविड से आपको बच्चों का बचाव करना है तो पहले अपना बचाव ज़रूरी है कोविड से, तो आप अपना सैनिटाइजेशन ठीक रखें, मास्किंग करें और स्वच्छता रखें अपने घर में, और बच्चों को फ्लू का भी वैक्सीनेशन आप करा सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा इम्यूनिटी उनमें बढ़ सकती है, सर्दी जुकाम नहीं लग सकता है। और जहाँ तक कोविड का सवाल है, बच्चों के लिए अभी वैक्सीन्स 12 साल से कम के बच्चों के लिए वैक्सीन्स अभी आने वाले हैं, 12 से 18 में तो अभी लग ही रहे हैं। प्लस बच्चों का जो खान पान है उस पर बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि उसी से उनकी इम्यूनिटी बनती है। जंक फूड हम निर्धारित करें कि कम से कम उनको दिया जाए, मैदे वाली चीज़ें कम दी जाएं, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा दी जाएं, स्वच्छता रखी जाए
और बेसिक हाइजीन भी उनको बताना ज़रूरी है, उसके बारे में अवगत कराना उनको बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वायरल इन्फेक्शन से उनका बचाव हो सके। मैम, अगर अभी आपने बताया कि जो खान पान बच्चों का ध्यान दिया जाए, कुछ किड्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल रेडी नहीं है, उनको वही खाना है जो उनको पसंद है। किड्स के लिए बेसिकली उनका टेस्ट बहुत मैटर करता है, एक टेस्ट जो उनको पसंद है वही फूड वो खाना पसंद करेंगे। ऐसे में अगर बात बड़े लोगों की जाए, तो अगर वो फूड नहीं लेते, कुछ विटामिन जैसे विटामिन सी A to Z सम ऑफ कुछ विटामिन आते हैं जो बड़े लोग ले लेते, लेकिन बच्चों के लिए कैसे के विटामिन्स आते हैं कि अगर बच्चा फूड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो फूडी नहीं है, वो नहीं खाता, तो क्या ऐसे कुछ विटामिन्स हैं जो बच्चों को दिए जा सकते हैं? हाँ, ऐसे आते हैं, मल्टी विटामिन सिरप्स आते हैं, कैल्शियम सिरप्स होते हैं, जो कि बच्चे डेफिशेंट होते हैं, उनमें हम लोग को ज़रूर देना चाहिए। मगर पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी प्रॉपर डाइट हो, उनका एक टाइम टेबल बनना चाहिए, डाइट प्लान बनना चाहिए, और पेरेंट्स को स्टिक करना चाहिए पहले कि वो ये सुनिश्चित करें कि वो प्रॉपर समय में बच्चे को खिला रहे हैं और क्या खिला रहे हैं। वो ऐसा खाना खिला रहे हैं जो कि हज़म भी हो सके और उसमें सारे वो विटामिन्स और मिनरल्स हों जो कि एक बच्चे के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बच्चे की लाइकिंग के हिसाब से वो उसी खाने को उसी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप दाल नहीं खाता है तो आप उसको चिल्ला बना के दे सकते हैं, आप पॉपकॉर्न हेल्दी स्नैक है पॉपकॉर्न दे सकते हैं, मूंग की दाल मोठ दे सकते हैं, आप सूजी का उपमा बना के दे सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये है कि थोड़ा थोड़ा कई बार उनको आप खिलाएं और अच्छी चीज़ें खिलाएं, प्रोटीन युक्त चीज़ें खिलाएं, तभी उनकी ग्रोथ हो सकती है। मैम, डायरिया और अभी बढ़ते कोविड के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बच्चों में ज़्यादा होती है, जो 12 साल से कम के बच्चे, क्योंकि इनकी वैक्सीन आने में भी अभी टाइम है, तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को ये भी पता कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हो सकती है, पेरेंट्स घबराए नहीं, क्योंकि फ्लू एंड फीवर तो इस मौसम में बच्चों को ज़्यादा होता है, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ जो बच्चों को हो सकती है जिससे पेरेंट्स घबरा जाते हैं? देखिए, सबसे जो कॉमन बीमारियां हैं वो तो दस्त और हम निमोनिया कहेंगे, तो निमोनिया से भी बच्चों का बचाव रहना चाहिए। फ्लू से निमोनिया बन सकता है तो फ्लू वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, और निमोनिया से बचाव के लिए तो शुरुआत में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके वैक्सीन्स होते हैं वो ज़रूर लगवाएँ, जिससे कि बच्चा इन बीमारियों से बचा रहे, प्लस उसका पोषण अच्छी तरीके से हो, खान पान अच्छी तरीके से हो, तो इम्यूनिटी उसकी सही रहेगी। बाहर का कम से कम खिलाएं, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं देना, मगर ये है कि हफ्ते में एक बार आप उसको, थोड़ा सा आपका चीट डे हो सकता है, आप दे सकते हैं उसको, मगर ये सुनिश्चित करें कि जो भी वो खाए वो पोषण से भरपूर हो। मैम, कोई ऐसा सुझाव जो आप बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए देना चाहेंगे? बिकॉज जिस हिसाब से कोविड ने पूरी दुनिया को डरा दिया था, कोविड की 3 वेव ने जिस तरह से दिक्कतें खड़ी करी थी, बहुत लोग उसके चपेट में आए थे, उसके बाद से लोग ऐसे कई तरह की बातें कर रहे हैं, WHO ने भी कई तरह के निर्देश दिए हैं कि शायद अगर वेव आता है तो तमाम तरह के प्रिकॉशंस ले, आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ ऐसे निर्देश देना चाहेंगी या कुछ सुझाव देना चाहेंगी कि लोग अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाए इस वेव में, और किस तरह से अपना भी ध्यान रखें कि सभी सुरक्षित रहें? देखिए, अगर बच्चों को सुरक्षित रखना है तो पहले अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर आपने कोविड की 2 डोजेज नहीं अभी तक लगवाई हैं तो प्लीज़ उनको लगवा लीजिए, और अब तो बूस्टर डोज भी आ गई है, तो जो 2 लगवा चुके हैं और जिनकी तीसरी बूस्टर डोज लगने का समय आ गया है वो उसको लगवा लें। आप सुरक्षित होंगे तो आपके पास जो बच्चे हैं वो सुरक्षित होंगे, प्लस बेसिक हाइजीन, बेसिक स्वच्छता का पालन करिए। अभी भी आपको मास्किंग करनी है, मास्क नहीं उतारना है अगर आप किसी क्लोज्ड स्पेस में जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, तो आपको मास्क का प्रयोग ज़रूर करना है, हाथों की स्वच्छता रखनी है, थोड़ा सा ग्रुप में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, और बच्चों का आप फ्लू वैक्सीनेशन करा सकते हैं जिन बच्चों का अभी कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अब जो बच्चे इस उम्र के हो गए हैं जिनका कि हो सकता है, उनको ज़रूर जाके कोविड वैक्सीनेशन करवाएं,
प्लस उनको भी बेसिक हाइजीन सिखाएं, सैनिटाइजेशन सिखाएं, कैसे आपको हाथ की सफाई रखनी है, अपनी सफाई रखनी है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, प्रॉपर खाना खाना है, ये बच्चों को भी आपको सिखाना पड़ेगा व्हाट इज़ हेल्दी फूड और क्या क्या खाना पीना आपके लिए ज़रूरी है। मैम, जो घर पे ट्रीटमेंट है, कई लोग घर पे भी ट्रीट करते हैं बच्चों को, थोड़ा फीवर हुआ तो घर पे ट्रीट कर दिया, पहले किसी प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर के वो दवाइयाँ खिला दी, तो वो कितना सुरक्षित है और कितना असुरक्षित है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही घातक होता है। अगर बच्चे को बुखार है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बुखार की दवा आप दे सकते हैं, पर नेक्स्ट डे अगले दिन जाके आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। कभी भी मेडिकल स्टोर जाके वहाँ से दवा ना लें, उनसे ना सलाह लें कि कौन सी हमें दवा खिलानी होगी, कौन से हमें खांसी का सिरप देना होगा। अक्सर लोग यही करते हैं, या वो करते हैं कि पुराना पर्चा रखे रहते हैं, उसी पर्चे से देख के फिर से वो दवाएं मेडिकल स्टोर से मंगवा लेते हैं और वही बच्चे को खिलाने लगते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक्स का गलत प्रयोग बहुत ही घातक हो सकता है बच्चों में, एंटीबायोटिक का सेवन ऐसे नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, बीमारियाँ अलग अलग होती हैं, कई वायरल होती हैं, कई बैक्टीरियल होती हैं, कई फंगल होती हैं, बुखार के अलग अलग कारण होते हैं। तो अगर हम एक ही उसमें दवा का प्रयोग करते रहेंगे बिना जाने, तो हम बच्चे का नुकसान ही करेंगे बजाय कि उसका भला करने के। तो आप लोगों से ये कहना है कि डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें किसी भी बीमारी के लिए, खासकर बच्चों की बीमारी के लिए, क्योंकि बच्चों की दवा की डोज भी उनके वज़न के हिसाब से होती है। कुछ भी ऊंचा नीचा हो जाता है तो दवा का असर नहीं आता है, या दवा नुकसान कर सकती है, गुर्दे पे उसका नुकसान आ सकता है, गुर्दे प्रभावित हो सकते हैं, लिवर प्रभावित हो सकता है, और इससे चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। मैम, आजकल मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों में कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को किडनी की प्रॉब्लम जो हो रही है, इसकी क्या वजह है? जनरली जो रेशियो है छोटे बच्चों में गंभीर बीमारियों का, वो बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या कुछ वजह देखती हैं आप? देखिए, कैंसर जहाँ तक है वो तो उसके कई कारण होते हैं, जेनेटिक भी होता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी भी होती है, माँ बाप से हो सकता है, या गलत एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है, कुछ गलत खान पान की वजह से भी हो सकता है, या दूषित पॉल्यूशन की वजह से भी कभी कभी देखा गया है कि कैंसर हो जाता है। तो सबसे पहले माँ बाप को अपना खान पान सही रखना चाहिए, अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए। वही सिस्टम जब घर में लाएंगे अच्छी डाइट का, तो बच्चे भी उसी डाइट को लेंगे, वही फॉलो करेंगे, जो माँ बाप को देखेंगे वही वो करेंगे। तो बेसिकली पेरेंट्स को अपनी डाइट का बहुत ही ध्यान रखना है, अपनी आदतों का ध्यान रखना है, स्मोकिंग से दूर रहना है, तंबाकू सेवन से दूर रहना है, ड्रग से दूर रहना है, अल्कोहल के ज़्यादा सेवन से दूर रहना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये माँ से बच्चे में भी आ सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो इससे भी बच्चे को हार्म पहुँच सकता है। मैम, कुछ विमेंस आज कल के मॉडर्न लाइफस्टाइल अगर कहा जाए, तो मॉडर्न लाइफस्टाइल में अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग आर वेरी कॉमन इन गर्ल्स, बहुत कॉमनली गर्ल इसको कंज्यूम करती हैं, तो इसका कितना इफेक्ट आफ्टर मैरिड उनके प्रेगनेंसी पे होता है, उनके किड पे? देखिए, प्रेगनेंसी में तो होता ही है, बच्चा स्मॉल फॉर डेट मतलब कम वजन का हो सकता है, उसमें ऑर्गन्स नहीं विकसित हो सकते हैं पूरी तरीके से, उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं अगर माँ सिगरेट का सेवन करती है, या अल्कोहल का सेवन करती है, या कुछ ऐसे पदार्थ लेती है जो कि उसके लिए नहीं सही हैं, तो इसका पूरा असर बच्चे पे आता है और बच्चे में कई कमियां हो सकती हैं। तो इससे दूर ही रहना चाहिए, अगर लेना भी है तो बहुत ही कम मात्रा में लें, ज़्यादा मात्रा में हर चीज़ खराब होती है। क्योंकि अक्सर मैम देखने को मिलता है कि बच्चे जो विमेंस, कई ऐसे केसेस भी आए हैं कि जो विमेन ज़्यादा ड्रग करती है उनके किड भी एडिक्ट हो जाते हैं, दे नीड सम काइंड ऑफ ड्रग्स, तो कितना इफेक्ट डाल रहा है और ये हमारी जनरेशन को कितना बर्बाद कर रहा है, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके हेल्थ को कितना बर्बाद कर रहा है?
देखिए, ड्रग्स का सेवन करना तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। नशीली पदार्थों का सेवन करना तो माना गया है कि बहुत ही ख़राब है, क्योंकि देखिए अगर माँ बाप इसका सेवन करेंगे तो वो अपने में ही इतने त्रस्त रहेंगे और ठीक से बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, उनको समय नहीं दे पाएंगे, उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। इससे इनडायरेक्टली बच्चा प्रभावित तो हो ही रहा है, और फिर जो माँ बाप को देखे। आपने अब तक कोई ऐसा बच्चा ट्रीट किया, ऐसी मदर का जिनको प्रॉब्लम हो? बिकॉज मॉडर्न लाइफस्टाइल में इट्स वेरी कॉमन, वी आर इवन इन लखनऊ और भी जितनी हाईटेक सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत कॉमन है। क्या आप आज तक आपके पास कोई ऐसा पेशेंट या फिर कोई ऐसा बच्चा आया जिसकी मदर इस चीज़ से परेशान हो? बिकॉज ये बड़ा गंदा एक्सपीरियंस है और विमेन शेयर भी नहीं कर पाती हैं। देखिए ज़्यादातर तो विमेन नहीं शेयर करती हैं कि हम इसका सेवन करते हैं, मगर कुछ अगर निम्न सामाजिक आर्थिक समूह में देखा जाए कि जो औरतें होती हैं वो तंबाकू का सेवन करती हैं। और तंबाकू का सेवन करती हैं तो बच्चे पे इसका असर आता है, कई छोटे छोटे बच्चे भी इसका सेवन करने लगते हैं, सिगरेट का सेवन करने लगते हैं छोटी उम्र से। तो उनको पैसे दे दिए जाते हैं बजाय कुछ और लेने के, वो नशेड़ी हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें, इसका नशा लग जाता है। तो अगर प्रॉपर गाइडेंस पेरेंट्स की नहीं होगी, प्रॉपर उनकी मॉरल वैल्यूज़ नहीं होंगी, तो बच्चा जो है वो भटकेगा और वो गलत आदतों का शिकार होगा, और उसके इफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चों के हेल्थ पे भी पड़ेगा। बच्चों की नॉर्मली बच्चों की हेल्थ पे तो पड़ेगा ही, अगर ये गलत चीज़ों का सेवन होगा तो उसके फेफड़ों पर असर आएगा, उसके लिवर पर असर आएगा, उसके पेट पर असर आएगा, एसिडिटी होगी, अल्सर्स होंगे, निमोनिया होगा, खांसी होगी, टीबी के शिकार होंगे, कुपोषण के शिकार होंगे, तो और बीमारियां लगेंगी, प्रतिरक्षा न्यूनता आ जाएगी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी कम होती जाएगी उनमें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इनके सेवन से हो सकती हैं बच्चों में। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे खास शो में आने के लिए। तो ये थी डॉक्टर रूपा शर्मा, जिन्होंने बताया कि बच्चों का हेल्थ उनके पेरेंट्स से कितना जुड़ा हुआ है। अगर आपको अपने बच्चे को हेल्दी रखना होगा तो सबसे पहले आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी होगी। आज के हमारे इस खास शो में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।